नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एडल 29 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों को इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं, कितने रुपये इस पर MRP आती है और कौन सी कंपनी के द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो एडल 29 होती है देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो 20 ml के साइज़ में मार्केट में मिल जाती है। अगर बात करें इसकी MRP के बारे में तो 270 रुपये इस पर MRP आती है और जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में एक कंपनी आती है एडल, जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो एडल 29 मेडिसिन होती है UTI को ठीक करने की बेस्ट मेडिसिन होती है। अगर किसी को UTI की परेशानी है, मूत्र मार्ग का अगर किसी को संक्रमण हुआ है या मूत्र नली का संक्रमण हुआ है तो उसको ठीक करने की एक काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। दोस्तों UTI क्या होता है? दोस्तों जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा आते हैं, अगर यहाँ किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, उसका संक्रमण अगर पूरे मूत्र मार्ग में कहीं हो जाए तो उसकी वजह से जो UTI की परेशानी है वो देखने को मिलती है। जो UTI के सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को वर्निंग इन यूरिन की परेशानी हो, पेशाब में अगर किसी की जलन हो रही हो, पेन इन यूरिन की परेशानी हो, पेशाब करते समय अगर किसी को दर्द हो रहा हो, पेशाब के समय किसी को पस सेल्स जा रही हो या म्यूकस जा रहा हो, पेशाब में ब्लड जाने की परेशानी हो, RBC जा रही हो, या किसी को ऐसा लगता हो ड्रिपिंग ऑफ यूरिन की परेशानी है, पेशाब बूंद बूंद करके आता हो, या अर्जेंसी टू यूरिनेट की परेशानी हो जाए, जैसे अगर किसी को पेशाब लगने लगे तो उसको इतनी तेज़ लगने लगता है, अगर उसको 1-2 मिनट में वॉशरूम ना मिले तो उसका जो पेशाब है वो कपड़ों में निकल जाता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की परेशानी देखने को मिलती है, पेशाब जल्दी जल्दी की परेशानी देखने को मिलती है, पेशाब बहुत जल्दी जल्दी पेशेंट जाने लगता है, हर 5 मिनट में उसको पेशाब लगने लगता है। तो इस प्रकार की दिक्कतों को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। या किसी को ऐसा लगता है सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट यूरिन, उसको ऐसा लगता है कि जो पेशाब है अभी ठीक से उसने किया नहीं है, जो ब्लैडर है उसका पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ हुआ है, तो कुछ इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो UTI के केस में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों UTI को ठीक करने की बेस्ट मेडिसिन होती है, मूत्र मार्ग के संक्रमण को ठीक करने की है काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। अगर बात करें इसके ग्लूज के बारे में तो दोस्तों अगर किसी को सिस्टाइटिस की परेशानी हो जाए, जो ब्लैडर होता है वहाँ किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, उसके वजह से भी कई बार UTI की परेशानी देखने को मिलती है, सिस्टाइटिस की परेशानी देखने को मिलती है, उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। या किसी को यूरेथ्राइटिस की शिकायत हो जाए, जो यूरेथ्रा होता है वहाँ किसी बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाए, तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों जो इसका अगला यूज़ होता है नेफ्राइटिस, दोस्तों अगर किसी को नेफ्राइटिस की परेशानी हो जाए, नेफ्राइटिस क्या होती है दोस्तों, जो हमारी किडनी होती है वहाँ किसी बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाए या किसी भी प्रकार का वहाँ संक्रमण हो जाए, जैसे कि गुर्दे में पथरी की वजह से वहाँ कोई जख्म बन जाए, उसके वजह से अगर किसी को नेफ्राइटिस की परेशानी है, गुर्दे पर सूजन आ गई है, उसको इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है, पूरे यूरिनरी सिस्टम में अगर कोई भी बीमारी है, खासकर पेशाब संबंधी अगर कोई बीमारी है, पेशाब में जलन है, चुभन है, दर्द है, तो उसको इस मेडिसिन की सहायता से बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप में से अगर किसी को UTI की परेशानी, सिस्टाइटिस की परेशानी, नेफ्राइटिस की परेशानी, यूरेथ्राइटिस की परेशानी है तो उसको इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ यूजेस थे जिन जिन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिनों से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो पहली मेडिसिन होती है एसिड बेंज, फिर एसिड नाइट्रिक, क्लेमेक्टिस इरेक्टा, यूक्रिजेटम हाईमेल या पल्साटिला, और जो इसमें अगली मेडिसिन होती है सोलिडेगो या जंजीवर या टर्मिनेलिया। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी ये मेडिसिन है जो UTI को ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसकी जो डोज है वो 15 से 20 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें,
कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।